दिया और बाती हम की संध्या राठी एक बार फिर संध्या बनकर ही कवच के दूसरे सीजन से टीवी पर धमाकेदार वापसी करने जा रही हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले शो का पहला प्रोमो सामने आया था, जिसे देखने के बाद ऑडियंस इस शो के लिए सुपर एक्साइटेड हो गई थी। लेकिन अब आपको बता दें कि शो का दूसरा प्रोमो भी जारी हो चुका है और इस नए प्रोमो में शो की कहानी के एक बड़े हिंट का खुलासा हुआ है। तो अब क्या होगी इस शो की कहानी, आइए आपको बताते हैं। दरअसल इस प्रोमो में दिखाया गया है कि अंगद यानी नमक दोनों महाशिवरात्रि के मौके पर एक प्राचीन शिव मंदिर में जाते हैं। अब इस मंदिर की मान्यता है कि अगर कोई भी यहां भगवान शिव और पार्वती को नृत्य करते देख ले तो उसे अपने जीवन साथी की झलक यहां देखने को मिलती है। लेकिन संध्या को अंगद के बजाय कोई और दूसरा शख्स ही अपने जीवन साथी के रूप में दिखता है। आपको बता दें कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि एक्टर विन राणा होते हैं। ऐसे में संध्या बुरी तरह से डर जाती है। तो अब हो ना हो, शो के प्रोमो से ये अंदाजा तो मिल गया है कि शो की कहानी में हमें नया लव ट्रायंगल ट्विस्ट ही देखने को मिले। तो अब इस लव स्यापे में जब काल की एंट्री होगी तो क्या होगा, कैसे संध्या अपने जीवन साथी पर मंडराए काल के साए को दूर करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह पहले सीजन में काली शक्तियों से अपने पति को बचाया था मोना सिंह ने, ठीक वैसे ही संध्या अपने जीवन साथी का कवच बनेगी इस दूसरे पार्ट में भी। आपको बता दें कि शो का पहला प्रोमो तो ऑडियंस के बीच काफी पॉपुलर हुआ, तो अब देखना रहेगा कि क्या दर्शक शो के इस दूसरे सीजन पर भी उतना ही प्यार लुटाएंगे। वैसे आपको बता दें कि कवच 2 नागिन 3 को रिप्लेस करेगा। ये शो 1 जून से टेलीकास्ट होगा। तो अब काली शक्तियों पर आधारित इस शो को देखने के लिए आप कितना एक्साइटेड हैं, कमेंट में हमें जरूर बताएं।